जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है, शिखर धवन एक बार फिर से कप्तान बनाए गए हैं, लेकिन जिस नाम को आप उस स्क्वाड में खोजना चाह रहे हैं वो नाम उस स्क्वाड में है या नहीं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। जिम्बाब्वे दौरे के लिए जो टीम इंडिया की घोषणा हुई है तो ये चर्चा में थी, ये बात प्रोजेश मेरे साथ हैं कि विराट कोहली उस दौरे पर जाएंगे ताकि जो उनकी लय है जो बिगड़ गई है, जो फॉर्म वो तलाश रहे हैं, शायद वो हरारे में मिल जाए, लेकिन इस टीम में भी विराट कोहली नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह का विराट का फॉर्म है और वर्ल्ड कप भी काफ़ी नज़दीक है तो भारतीय टीम चाहेगी कि विराट अपने फॉर्म में वापस आए, और इस लिहाज से भी विराट कोहली को इस टीम में रहना चाहिए था, लेकिन सेलेक्टरों को कुछ और मंजूर था या तो विराट ने इच्छा जाहिर की होगी कि शायद इस उन्हें रेस्ट दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो सीरीज हुए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में ये चल रहे हैं उसमें भी विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही उसके उनके पक्ष में नहीं है। अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, साथ में विराट का परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर वे टीम में रहते हैं। बिल्कुल, और अब जैसा हम लोग रेगुलर बात भी कर रहे हैं नवीन, प्रोजेश और मैं अक्सर बातें कर रहे हैं कि आप खेल कर ही लय हासिल कर सकते हैं, और जहाँ तक विराट की बात है अब उन्होंने तय किया कि वो जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे या सेलेक्टर्स ने, ये बात तो शायद ही सामने आए, लेकिन विराट को इसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि हाँ मैं जिम्बाब्वे जाना चाहता हूँ। कोई आप देखें सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, जिम्बाब्वे में जाके उन्होंने ढेरों रन बनाए हैं। कई बार आप जब ऐसा है नहीं कि कोई विराट कोहली खेलना भूल गए हैं या उनकी तकनीक में कुछ खामी है, बस एक लय नहीं आ रहा है, एक बार जब रन बना लेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, तो अगर एक कमज़ोर टीम के खिलाफ भी अगर वो खेलते हैं तो वो रन बना सकते हैं, लेकिन कहीं ये स्केपिंग नेचर तो नहीं है, कहीं वो पलायन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्हें ये डर तो नहीं सता रहा कि चूंकि जिम्बाब्वे का जो मौसम होता है और वहाँ की पिच होती है वो तेज़ गेंदबाजों को मदद करती है, और वो जो मदद होती है वो स्विंग के रूप में होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं अगर वहाँ जाकर मैं और फ्लॉप हो गया तो और मुसीबत आ जाएगी, तो वहाँ जाकर कुछ करने से बेहतर है कि मैं भारत में जब इंडियन सॉइल पर मैच हो या सब कॉन्टिनेंट में मैच हो तो वहाँ अपने फॉर्म की तलाश करूँ। निश्चित रूप से विराट कोहली के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि जिम्बाब्वे में जो पिचों का कंडीशन रहता है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली जिस फॉर्म में अभी हैं वो उन्हें शूट नहीं कर सकती है। हालांकि एक खिलाड़ी खेल कर ही अपना लय वापस पा सकता है, तो मेरे अनुमान से विराट कोहली को ये सीरीज़ में जाना चाहिए था, क्योंकि जितना वो खेलेंगे वो फॉर्म में वापस आने की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि दर्शक भी ये उम्मीद कर रहे थे कि इस दौरे में विराट कोहली वापसी करेंगे और अपने प्रदर्शन से एक बार फिर से अपने विरोधियों को चौंकाएंगे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है या विराट कोहली ने ये डिसाइड किया है ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन चलिए देखते हैं। विराट बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुछ अगर सोचा हो तो शायद अपने लिए अच्छा ही सोचा होगा। इस बीच मैं आपको बता दूं कि दो खिलाड़ियों की जो नोटेबल वापसी हुई है इस टीम में, वाशिंगटन सुंदर काफ़ी समय के बाद खेलते हुए दिखेंगे, वनडे में खेलेंगे, और दीपक चाहर की वापसी हुई है, तो ये दो वापसी हुई है प्रोजेश, और अर्शदीप सिंह क्यों टीम में नहीं है, तो अक्सर हमारे सेलेक्टर्स कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, ये हमारे सेलेक्टर्स की आदत सी हो गई है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर देते हैं कि लोग कहें कि ये क्यों नहीं है या ये क्यों आ गया, तो इस बार ये क्यों नहीं है मैं यही है कि अर्शदीप सिंह क्यों नहीं है ये किसी को नहीं पता। खैर जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं जो 18-20-22 को हरारे में मैच होगा वनडे इंटरनेशनल, शिखर धवन कप्तानी करेंगे, सारे प्रमुख खिलाड़ियों को विश्राम दे दिया गया है, और जो एक आप कह सकते हैं कि जो बाकी प्लेयर्स हैं चूंकि बेंच स्ट्रेंथ इंडिया का स्ट्रांग है तो वो वहां पर अपनी जोर आजमाइश करेगी कमजोर जिम्बाब्वे के खिलाफ, और हम उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे दौरे में पर भी शिखर धवन के कप्तानी में टीम इंडिया जीत हासिल करेगी। अभी के लिए इतना ही, क्रिकेट की बाकी खबरों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।